अंतरिक्ष में भी होते हैं एक्सीडेंट, कोई स्पेस से गिरकर तो कोई अंतरिक्ष यान में जलकर खत्म हुआ। अंतरिक्ष में जाने से पहले एस्ट्रोनॉट्स को खूब ट्रेनिंग मिलती है, पक्का किया जाता है कि स्पेस पर जाने से पहले वो हर तरीके से फिट हो। स्पेसक्राफ्ट पर भी पानी की तरह पैसे बहाए जाते हैं कि कहीं कोई चूक ना छूट जाए, ये बार बार चेक किया जाता है। इसके बाद भी अंतरिक्ष खतरों से खाली जगह नहीं है, कई हादसों में एस्ट्रोनॉट्स की जान भी जा चुकी है। चलिए जानते हैं पूरी खबर क्या है। यूक्रेन से जंग के बीच रूस कई देशों के निशाने पर है, अमेरिका जिसमें सबसे ऊपर है। स्पेस में हुई एक गड़बड़ी से दोनों देशों के बीच तनाव खुलकर सामने आ गया है। दरअसल दिसंबर के बीच में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़े रूसी स्पेसक्राफ्ट सोयूज MS-22 में तकनीकी दिक्कत आ गई। अब इस अंतरिक्ष यान से रूसी एस्ट्रोनॉट्स वापस नहीं आ सकते, तो रूस उन्हें लौटने के लिए अपना स्पेसक्राफ्ट भेज रहा है। अब बात यह कि यह अमेरिका की बात कहां से आ गई। ISS में फिलहाल एक और एस्ट्रोनॉट है जो अमेरिकी है। ऐसे में अगर किसी इमरजेंसी में ISS को खाली करने की नौबत आ जाए तो अमेरिकी कॉस्मोनॉट को भी लौटना पड़ेगा, लेकिन वो रूसी अंतरिक्ष यान के साथ नहीं लौट सकेगा, बल्कि उसके लिए अमेरिका अलग स्पेसक्राफ्ट भेज सकता है। साल की शुरुआत में ही धरती की राजनीति का असर अंतरिक्ष में देखने को मिल रहा है। इस बीच ये समझते हैं कि क्यों अंतरिक्ष को बेहद खतरे वाली जगह माना जाता है और अब तक कितने एस्ट्रोनॉट्स वहां हादसे का शिकार हो चुके हैं। धरती की सबसे खतरनाक जगह पर जाना भी उतना ही मुश्किल नहीं जितना स्पेस में रहना है। वहां ग्रेविटी नहीं होती, जिसके कारण संतुलन बनाने के लिए दिमाग और शरीर अलग तरीके से काम करने लगता है। यहां तक कि कई स्टडीज में माना गया कि लौटने के बाद भी महीनों और कई बार सालों तक इंसान पर इसका असर रह जाता है। दूसरी दिक्कत है कि यहां का रेडिएशन। असल में स्पेस का अपना कोई टेम्परेचर नहीं है, बल्कि इसमें पाई जाने वाली तमाम चीजों जैसे प्लैनेट्स, एस्टेरॉयड्स, सैटेलाइट्स से मिलकर इसका टेम्परेचर बनता है। इसी वजह से स्पेस में हर वक्त खतरनाक रेडिएशन निकलती रहती है। ये रेडिएशन स्पेस के टेम्परेचर को -200 फ़ारेनहाइट से लेकर +300 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ले जाती है। रेडिएशन के संपर्क में आने पर कुछ ही सेकेंड में जान जा सकती है। इन्हीं कारणों को देखते हुए एस्ट्रोनॉट्स को पूरी सुरक्षा के साथ भेजा जाता है। इतनी सुरक्षा के बाद भी अंतरिक्ष में दुर्घटनाएं होती रहती हैं और इनमें कई हादसे जानलेवा भी साबित हुए हैं। स्पेस पर इंसानों के जाने की शुरुआत को आधी सदी से ज्यादा समय हो गया है। इतने समय में 550 के लगभग एस्ट्रोनॉट्स और कॉस्मोनॉट्स स्पेस की सैर कर चुके हैं। इनमें से 3 की मौत स्पेस में ही हुई, जबकि 30 से ज्यादा लोग खतरनाक स्पेस ट्रैवल की ट्रेनिंग के दौरान खत्म हुए। शुरुआत करते हैं सोवियत संघ के उस कॉस्मोनॉट से जो स्पेस से गिरकर खत्म हुआ। व्लादिमीर कोमारोव नाम के अंतरिक्ष यात्री को इसी तरीके से याद किया जाता है। मॉस्को में जन्मे और सोवियत सेना में काम कर चुके कोमारोव ने आगे चलकर स्पेस इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग की और अंतरिक्ष में जाने का सपना देखने लगा। वो दूसरे वर्ल्ड वार के बाद का समय था, जब रूस तब का सोवियत संघ के खिलाफ अमेरिका समेत लगभग पूरा यूरोप खड़ा था। रूस के सामने चुनौती थी कि वो स्पेस की दुनिया में खुद को सबसे मजबूत दिखाए। इसी दौरान एक महत्वाकांक्षी प्लान बना। रूस ने सोचा कि साल 1967 में कम्युनिस्ट क्रांति की सालगिरह पर वो खुद धमाकेदार करे। इसके लिए एक प्लान बना जिसका हिस्सा थे कोमारोव। उन्हें और एक दूसरे एस्ट्रोनॉट को स्पेस वॉक करना था। जैसे जैसे ट्रेनिंग शुरू हुई, योजना में शामिल लोगों ने माना कि भेजे जा रहे स्पेसक्राफ्ट सोयूज 1 में कई तकनीकी दिक्कतें हैं। एक एस्ट्रोनॉट मिशन से एन पहले पीछे हट गया क्योंकि इसमें जान का खतरा था। बाकी रहे कोमारोव, उन्हें धरती का चक्कर लगाकर वापस लौटने को कहा गया। अप्रैल 1967 को कोमारोव स्पेस यात्रा पर निकल पड़े। 24 घंटों के भीतर उन्होंने 16 बार धरती की परिक्रमा कर डाली, लेकिन जिसका डर बताया जा रहा था, लौटते हुए उनका स्पेसक्राफ्ट खराब हो गया। तब तक वो धरती की ऑर्बिट में लौट चुके थे। लगभग 23,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद जिस पैराशूट से उन्हें नीचे आना था, उसके धागे उलझ गए और इस तरीके से कोमारोव ऐसे पहले एस्ट्रोनॉट हो गए जिनकी स्पेस से गिरने पर मौत हो गई। दुनिया के पहले एस्ट्रोनॉट यूरी गागरिन के जीवन पर लिखी गई किताब स्टारमैन में इस घटना का जिक्र भी है। वहां जानते चलें कि जो अंतरिक्ष यात्री आखिरी समय पर पीछे से हट गया था वो यूरी ही थे। जनवरी 1967 में ही एक प्रैक्टिस रन के दौरान अपोलो 1 में आग लग गई, जिसमें 3 अंतरिक्ष यात्रियों गस ग्रिसम, एड वाइट और रोजर शेफे की मौत हो गई। बिजली की वायरिंग में आग पकड़ने पर तीनों ही लोगों ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन धुएं और आग से बेहद दर्दनाक ढंग से वे एयरक्राफ्ट के भीतर ही मारे गए। साल 1971 में ही सोवियत एयरक्राफ्ट सोयूज 10 में एक और हादसा हुआ। स्पेस से धरती के रास्ते में कैप्सूल में जहरीली हवा रिसने लगी।
जिससे एक अंतरिक्ष यात्री वहीं खत्म हो गया। हालांकि उसके साथ के तीन और यात्री बगैर ज्यादा बड़े नुकसान के सही सलामत धरती पर उतर आए। इसके कुछ ही महीनों बाद रूस के तीन और यात्री सोयुज 11 नाम के स्पेसक्राफ्ट में भेजे गए। लगभग 3 हफ्ते रहकर तीनों ही यात्री धरती पर वापस लौटने लगे, लेकिन इसी दौरान हादसा हुआ। धरती के ऑर्बिट पर आने के बाद स्पेसक्राफ्ट को कजाकिस्तान लौटना था, लेकिन वहां मौजूद रेस्क्यू क्रू को इसका सिग्नल मिलना बंद हो गया। इसके बाद क्या हुआ यह अब तक रहस्य है, लेकिन तीनों ही एस्ट्रोनॉट्स मरे हुए मिले। माना जाता है कि सेफ्टी वॉल्व फेल होने पर यह हादसा हुआ होगा। 60 से 70 के दशक में के भीतर हुए इन हादसों से अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही सकते में आ गए। यहां तक कि स्पेस प्रोग्राम स्थगित करने की बात तक चल पड़ी, लेकिन फिर अतिरिक्त सावधानियों के साथ अंतरिक्ष यात्रा चल निकली। तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज के साथ। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।